हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। हमारा इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें आज आप फोर्थ पार्ट को पढ़ेंगे और मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशन में अच्छा कमांड करने का तरीका है कि आप एक पैटर्न को लो और उस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करो, ऐसे उसको पार्ट पार्ट में स्टडी करो। इकट्ठे स्टडी करने से आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, इधर उधर हो जाएगा। तो एक पैटर्न लो, एक फंक्शन लो और उसका इंटीग्रेशन करो। और जब आप रिवीजन करोगे तो एक एक क्वेश्चन रिवीजन करना सफिशियंट है, एक या दो। आप पैटर्न को पहले कमांड करो और इस पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इस तरह से आपको बनाना है। तो आज जो पैटर्न मैं आपको लेके आया हूँ वो स्पेशल फॉर्म है। स्पेशल फॉर्म के जो इंटीग्रेशन होते हैं, यहाँ पर आप देखो इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, तो ये फंक्शन के टाइप हैं। इस तरह के फंक्शन होंगे तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका सेकंड पार्ट भी मैं स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन ही लेके आऊँगा। ये पोर्शन मैं आपको पहले करा दूँ। तो यहाँ पर ये सेवन पैटर्न का फार्मूला आपको सबसे पहले लर्न करना होगा, इसको रटना होगा, इसको याद ही करना है और कुछ नहीं। आपको इसका डेरिवेशन नहीं देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी वही है। ये तो टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया, इसको सुधार देता हूँ मैं। टाइपिंग पर मिसप्रिंट है, ठीक है, आप उसको देख लेना। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस। जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये इधर आएगा या इधर आएगा तो प्लस ऊपर चला जाता है, माइनस नीचे आता है। ये आप कंपेरेटिव इसको याद करोगे, रटोगे तभी आपका चलेगा। और इसको आपको याद करना ही है, इसको याद किए बिना आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो पैटर्न वाले जो इंटीग्रेशन है, जो फिक्स पैटर्न पर इंटीग्रेशन है, वो इजी भी कह सकते हो, डिफिकल्ट भी कह सकते हो। इजी कैसे होगा, यदि आपको उससे रिलेटेड फार्मूला याद है तो वो बहुत इजी है, लेकिन बाय द वे उससे रिलेटेड फार्मूला याद नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। तो याद है तो सीधा बनेगा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है आपको, पैटर्नों को पहचानना है अब ऐसे बनाना है। तो ये आपका ये फार्मूला, उसके बाद इसको करेक्ट कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये उल्टा हो जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है ये। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस दिस, इसके फॉर्म में होता है ये दोनों का फॉर्म एक जैसा होता है और ये दोनों का फॉर्म एक जैसा होता है, ठीक है। इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्म एक जैसा होता है, तो ये ध्यान में रखना। ये तो मैं आपको यहाँ सीरियस कर दूँ, प्रॉपर आपको इस फॉर्म में मिले। ये करेक्शन वाले पोर्शन को बस मैं सुधार देता हूँ ना, करेक्शन वाले पोर्शन को मैं सुधार देता हूँ बस। यहाँ पर आप गलती मत करना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो ये फार्मूला आप लर्न करो, रटो इसको, याद करो। ये याद हुआ सब क्वेश्चन बन गया, याद होता ही सारा क्वेश्चन बन गया। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो सिर्फ ये मैं करा रहा हूँ कि किस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं सिखाने के लिए, बाकी जो मेन वर्क है वो फार्मूला को लर्न करना ही है। यदि आपने ये फार्मूला लर्न कर लिया तो समझ लो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे बन गए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपन एक एक करके कुछ अपन पैटर्न, हर एक पैटर्न पर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं एक एक पैटर्न पर। मेरा यहाँ क्वेश्चन लेने का पर्पस है आपको एक एक पैटर्न को समझाना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² - 4 आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx/9x² - 4। देखो जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले पहचानना है कि किस पैटर्न में वो आ सकता है। तो नेचुरली आपको यहाँ यहां से दिख रहा है कि ये जो है यहां पर x² - a² के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो पहला आपका काम है कि आप x² के कोफिशियंट को मन करो, क्योंकि फार्मूला में आप देखो इसके जस्ट पीछे आप इस फार्मूला को देखो, ये है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट वन है। पहले ही फार्मूला पर मैंने क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पर इसका कोफिशियंट, इसके गुणांक को वन करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हम नाइन को कॉमन कर लिए, तो नाइन को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान, यहाँ से नाइन कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर इसमें उसको डिवाइड हो जाएगा तो हो गया फोर अपान नाइन, दैट इक्वल वन अपान नाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान। अब आप देखो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं टू बाई थ्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप फार्मूला से कंपेयर करो तो ये तो एक्स स्क्वायर है और माइनस ये क्या है ए स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसा आपको लिखना नहीं है, जो रेडिंग से मैं लिख रहा हूँ उसको आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए है वो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फार्मूला को आप जब यहाँ पर अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट फार्मूला में आप अप्लाई करके फार्मूला को लिख दोगे। देखो अभी फार्मूला आपने लर्न नहीं किया है लेकिन आप कर लोगे, तो सीधा क्या करोगे, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वन अपॉन टू ए इंटू वन अपॉन टू, ए का वैल्यू क्या है टू बाई थ्री, तो ये पुट कर दिए, और इंटू लॉग मॉड ऑफ फार्मूला ऊपर में क्या होता है प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए, ए का वैल्यू टू बाई थ्री अपॉन एक्स प्लस टू बाई थ्री प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, केवल सरल करना है, बाकी आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को फार्मूला के फॉर्म में लाना है, फार्मूला के फॉर्म में लाने के बाद उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको सरलतम रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर थ्री थ्री के साथ में नाइन के साथ कैंसिल होगा, ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में है तो थ्री हो जाएगा, ठीक है, और टू टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया ये फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, वन अपॉइंट ट्वेल्व हुआ है इंटू लॉग मॉड ऑफ, यहाँ एलसीएम थ्री आएगा, दोनों का एलसीएम थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स माइनस टू, थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो देखो कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हैं, जो सीधा सीधा उस फॉर्म में नहीं दिखते, डायरेक्ट आपको उस फॉर्म में नहीं दिखेगा, उसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, प्रतिस्थापन के द्वारा उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम शुरुआत में फंक्शन को देखें तो उसमें कुछ प्रतिस्थापन करने के बाद वो मुख्य रूप से फार्मूला के फॉर्म में आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से लिया, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यह था कि फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, बाकी उस तरह के क्वेश्चन आप फिर प्रैक्टिस से कर लोगे, नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये माइनस वाला था, प्लस वाला ले लूँ तो प्लस वाला ले लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो ऐसे ही कर लोगे उसको, चलो एक एक तो बता देते हैं कम से कम, है ना। आई इक्वल इंटीग्रेशन वाला, ये माइनस वाला था प्लस वाला, वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सीधा इसी को ले लिया, वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहाँ हमने माइनस लिया था, यहाँ पर प्लस लिया था, तो नेचुरली यहाँ पर आपको प्लस का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो दैट इक्वल वन अपॉन नाइन, काम वही करोगे, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, ये हो गया दैट इक्वल। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, अंतर है सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए, ठीक है, वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए, तो ए का वैल्यू वन अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स और ये टू बाई थ्री और प्लस सी, ये हमने इसमें फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाले पोर्शन में हमने फार्मूला लगा दिया, तो फार्मूला भी इसमें अप्लाई कर दिया, दैट इक्वल अब सॉल्व करो, इसके साथ में कैंसिल होगा तो वन अपॉन ये थ्री जा और टू जा सिक्स और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, थ्री ऊपर चला जाएगा, थ्री एक्स अपॉन टू प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर।
तो 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, कुछ सब्सटीट्यूशन पैटर्न के क्वेश्चन ले लें। चलिए कुछ सब्सटीट्यूशन के पैटर्न के क्वेश्चन लेता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन लेता हूँ। e^x / e^tx-1 e^x / e^2x-4 dx। देखो अब इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। जो क्वेश्चन एकदम देखने से ही आपको लगेगा कि फार्मूला पर बेस्ड है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया केवल फार्मूला अप्लाई करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है जिसको देखने से लग रहा है कि फार्मूला पर नहीं है, लेकिन इतना आपका प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि प्रतिस्थापन के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद वो उस फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करें। किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, देखो। नाउ पुट e^x = t। सपोज हमने e^x को क्या सपोज कर लिया, t सपोज कर लिया। अब इसका करो डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e^x का डिफरेंशिएशन e^x, और ये हो जाएगा dt/dx। देयरफॉर इसको इधर ट्रांसफर करें तो e^x (dx) = अपने को मिल जाएगा dt। ओके, ये मिल गया। अब अपने क्वेश्चन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, e^x (dx) = dt, या तो आप लोगों ने बहुत किया हुआ है ये। अब यहाँ पर देखो e^x पर रखोगे क्या, t, तो ये है e^2x, तो क्या हो गया 2² और माइनस इस 4 को लिख सकते हैं अपन 2² इस तरह से। तो देखो ये किस फॉर्म में आ गया, dx/x²-a². अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो फार्मूला 1/2a लगा, 1/2a, a का वैल्यू 2 इंटू लॉग ऑफ t-a, है ना। फार्मूला क्या है, t-a/t+a हो जाएगा। तो t-a का वैल्यू 2 है अपॉन t+2, ये फार्मूला है। फार्मूला आप लोग लर लग करने लेना, फार्मूला हम लोग को जैसे याद नहीं रहता भाई, तभी हमको प्रैक्टिस करना है, फार्मूला ध्यान में हमारा रहता नहीं। लेकिन आपको फार्मूला रटे बिना कोई काम नहीं करना है। इसके बाद आप फार्मूला नहीं लगा पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 1/4 हो गया, और अब वैल्यू को पुट कर दो आप, लॉग मॉड ऑफ टी का वैल्यू क्या है अपने पास, e^x, तो ये हो जाएगा e^x-2/e^x+2+c। दिस इज फाइनल आंसर। तो कुछ भी नहीं रखा है इसमें, नया चीज़ मैंने आपको क्या सिखाया, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के बाद वो अपने फार्मूला के रूप में आ जाएगा, और जैसे फार्मूला के रूप में आएगा तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे फार्मूला से। ओके, तो आसान क्वेश्चन था ये भी। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बेट। इस कॉम्पिटिशन में आप क्लास 10th CBSE के स्टूडेंट्स के लिए है, मेन पॉइंट्स और मेन फीचर्स आपको बता दूं। आपके स्कोर, स्पीड स्कोर, लीडरशिप बोर्ड आपको शो होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन, 40 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 6 कॉम्बेट्स होंगे। आगे मैं उसको शेड्यूल बताऊंगा आपको। निगेटिव मार्किंग होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा, और आपको वीडियो के सॉल्यूशन के डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके इसके शेड्यूल क्या है। कॉम्बेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कॉम्बेट जो होना है, फर्स्ट 31 जनवरी को मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा सभी में, सेकंड 14 फरवरी, थर्ड 20 फरवरी एंड नेक्स्ट 14 मार्च, 28 मार्च एंड 11 अप्रैल। ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप देखिए आपका सिलेबस, कि आपके सिलेबस क्या क्या होंगे। तो मैथमेटिक्स में आपका 10th CBSE बोर्ड में जो मैथ्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एंड द सिलेबस ऑफ साइंस इज केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट ऑफ करेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। दिस इज योर सिलेबस। एंड नेक्स्ट,
डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, 4 ऑप्शन होंगे, मैं आपको बता चुका। और यहाँ पर देखिए आगे आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट आपका होने वाला है वो 10th CBSE बोर्ड वालों का January 31, 2021 में 11 AM मॉर्निंग में, ये आपका फर्स्ट कॉम्बैट है, पहले मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इनरोल कैसे होना है, आपको ऐप डाउनलोड करके कोड यूज़ करना है अन एकेडमी, और ये है आपका रिवार्ड। फर्स्ट रैंकर्स को 12th मंथ का अन एकेडमी CBSE क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 2 को 6 मंथ का क्लास 11 प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक को 6 मंथ का अन एकेडमी CBSE क्लास 11 सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 4 में 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जहां पर 1 मंथ अन एकेडमी का आपको क्लास 11 का CBSE का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, एक एक पैटर्न को लेकर आप क्वेश्चन करते जाओ, बस उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, मिक्सअप नहीं होना चाहिए आपको स्टडी। इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ हाफ आवर का, या मैं चाहूँ तो 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर का वीडियो, लेकिन वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में आप उसको स्टडी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पैटर्न ले लेके आ रहा हूँ। 1/√(2 − s²+1) i = 1/√(2x − 2)² + 1 2 − x 2 − x² + 1 dx। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह जो वैल्यू है यह x² − a² के फॉर्म में है। देखो यहाँ पर इस फॉर्म का भी फार्मूला है अपने पास, ये देखो √(x²−x²). तो फार्मूला आपको देखो, फार्मूला जब याद रहता है तो पैटर्न तुरंत माइंड में क्लिक करता है। फार्मूला याद रहे तो, फार्मूला याद ना रहे तब तो पता ही चलेगा क्या हो रहा है, और फार्मूला यदि याद है तो दिमाग में तुरंत आता है कि भाई √(x²−a² के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ परेशानी यह है कि 2 − x है और वहाँ फार्मूला में रहता है x, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको t सपोज कर लो। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है। नाउ पुट 2 − x = t, नाउ डिफ्रेंशिएट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करें 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा −dx = dt। मैं डायरेक्ट लिख दिया dt/dx, इतना आप समझ सकते हो, मतलब dx = क्या लिख सकते हैं अपन, −dt लिख सकते हैं, x का 1 होगा उसे ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब वैल्यू को पुट अप करो, और देयर फॉर क्वेश्चन हो जाएगा i = ये dx का वैल्यू हम पुट अप कर देंगे क्या, dt, माइनस को बाहर कर दिया, ये हो गया dt/√(2 − x = t ये 2 − x को t पुट करेंगे, हो गया t², और ये +1, तो +1 का +1 हो गया, ये हो गया i का वैल्यू। दैट इम्प्लाइज i = −, अब देखो 1/t² − x², ठीक है, √(t²+1), तो t² + 1 का फार्मूला क्या होगा, प्लस के फॉर्म में इसका फार्मूला होता है log t + √(t²+1), log t plus फार्मूला है इसका t² + 1 c, मतलब ये पीछे फार्मूला आप देख लेना, √(x²+a² का फार्मूला होता है log x + √(x²+a² ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला देख लेना पीछे से जो मैंने वहाँ पर दिया आपको। दैट इक्वल माइनस log अब t का वैल्यू पुट अप कर दो, t का वैल्यू क्या है 2 − x, ये हो जाएगा 2 − x + √(2 − x²+1 + c, ये आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो भी इस फॉर्म में आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है, आंसर को बहुत ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं होता है। क्या आंसर आ गया फिर इसका, −log (2 − x) + √(2), ठीक इस फॉर्म में लिख सकते हो, या इस राइटर ने NCERT के में आंसर ऐसा दिया हुआ है, तो log(-1) −log(x) = log(1/x) होता है, ये फार्मूला है, ये सामने माइनस होता है तो ऐसा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो उस फार्मूला के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो उस बुक में आंसर दिया है log, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ठीक है, log, एक मिनट,
लॉग टी प्लस ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया फार्मूला में, लिखने में गलती कर दिया, फार्मूला तो वही है, लॉग कंबाइन होता है यहाँ पर, लॉग का वैल्यू ना माइनस लॉग, फार्मूला में माइनस लॉग और फिर मॉड ऑफ रहेगा टी प्लस, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा गलती कर दिया लिखने में, ये मॉड रहेगा, मॉड समझ लो उसको, माइनस लॉग मॉड को मैंने ब्रैकेट लगा दिया था, ये मॉड में रहेगा, लॉग बाहर रहता है, लॉग बाहर रहता है फार्मूला में, फार्मूला को देख रहा हूँ मैं, माइनस लॉग इतना, ठीक है। तो आगे आप इसको लिखना चाहो माइनस को आगे मर्ज करके, तो ऐसा लिख सकते हो, बोल रहा था मैं, वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही है, जिस रूप में एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही आंसर दिया हुआ है। एक बार आंसर टेली करना जरूरी है ना, आंसर आप लोग भी टेली कर लिया करो जब बनाते हो, तो जैसे मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दिया था लाख के जगह में, तो चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या बात थी, टी सपोज किया, ये मेन टाइम फार्मूला याद है, फार्मूला में पुट अप कर दिया। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन, एक्चुअल में इस पैटर्न को पढ़ने में मजा नहीं आता मुझे मालूम, क्योंकि एक फ्रेम में सब क्वेश्चन को ऐसे डालते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू में जो सात फार्मूला दिया वो रटे और क्वेश्चन बन गया समझ लो, अब वो याद नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें जो मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ अब, बाकी तो आप कर लोगे मुझे मालूम है, फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे अच्छे क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलते, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो देखने से नहीं पता चलते कि इस पैटर्न पर बनेंगे, रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल पता नहीं चलता, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स डी एक्स, इस तरह के क्वेश्चन को भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी आगे पढ़ेंगे, अभी तो इंटीग्रेशन का शुरुआत ही हुआ है, आगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम सेवन फार्मूला में देखें तो किसी पैटर्न में नहीं दिखता अपने को, ठीक है, इसको देखने से ये क्वेश्चन लगता है कि इसमें से किसी भी पैटर्न को यह मैच नहीं करेगा। तो क्या करना है, तो यहाँ पर हमको इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद ये आपको पैटर्न में दिखने लगेगा, इसका परिमेयीकरण करना है। देखो कैसे, ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा तैयार करना जिनको देखने से शुरुआत में नहीं पता चलता कि वही टॉपिक है। इसको हम लिख सकते हैं रूट माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू इसका रेसिप्रोकल, मतलब रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, ये हो गया वन अपॉन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इस फॉर्म में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं कुछ ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ। अब आगे देखो दैट इक्वल, आगे इसको हम सॉल्व करें तो इसका तो कुछ पैटर्न है नहीं, तो अलग अलग इसको हम डिवाइड कर देंगे, पहले वन के साथ डिवाइड कर देंगे तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसको हमको अलग से इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर एक तरीका है कि इसको आई वन आई टू सपोज कर लो, ये लिखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप आई वन सपोज कर लो और माइनस इसको सपोज कर लो आई टू, इसको आई टू इसको आई वन। तो हम यहाँ पर बारी बारी से दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये आई वन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, ये निकाल लिया हमने, इसको दे दिया हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, सपोज ये i इक्वल आई वन माइनस आई टू रिलेशन फर्स्ट दे दिया। इसके बाद आई टू इक्वल टू, आई टू का वैल्यू अलग निकाल लो, तो आई टू इक्वल टू अपने पास है x अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर फिर आपको अगेन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा,
इसको थोड़ा दूसरे ढंग से भी कर सकते थे अपन वैसे। ठीक है, मैं अपने तरीके से, देखो इसका आंसर लास्ट में जो आएगा आंसर, एक फैक्टराइज करके भी किया जा सकता था। चलो ठीक है, ऐसे ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने सपोज कर लिया टी स्क्वायर, रूट के अंदर इसलिए टी स्क्वायर सपोज कर लिया, ध्यान दे रहे ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर उसको टी स्क्वायर सपोज कर लिया। अब इसका हमने किया डिफ्रेंशिएशन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ध्यान देना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो गया, ये हो गया माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा टू टी डी टी, दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा और टी स्क्वायर का टू टी, और डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इधर भेज दिया हमें, हमारे क्वेश्चन में ये है एक्स डी एक्स, तो यहाँ से हम एक्स डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं तो टू टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टू, इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस टी डी टी हो जाएगा ये, क्लियर यहाँ तक आपको। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयर फॉर आई टू इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स है डी टी, माइनस को बाहर कर दिया, ये हो गया डी टी, बहुत आसान कर दिया इसको मैं इस तरह से स्क्वायर पुट करके। अब देखो वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर सपोज किया है, इस अंदर को, ये जितना अंदर में है उसको टी स्क्वायर सपोज किया है, ये वैल्यू जब हम वहाँ पुट करेंगे तो टी स्क्वायर का रूट होगा, तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा वहाँ पर, टी बचेगा ऐसा, दैट इक्वल ये हो जाएगा माइनस लाख टी, ये होता है माइनस लाख टी होता है। इसमें तो इस चैप्टर का फार्मूला मैंने यूज़ किया ही नहीं, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते थे अलग से, एक्स माइनस वन एक्स प्लस, ये आसान तरीका है, माइनस लाग टी हो जाएगा, दैट इक्वल माइनस लाग, और टी का वैल्यू अपने पास हमने क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आई टू हो गया, आई वन हो गया, देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब हम फर्स्ट में इसके वैल्यू को पुट कर दें तो आई इक्वल आई वन, आई वन का वैल्यू हमने निकाल के रखा है यहाँ, साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू निकाला है माइनस लाग वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। देखें एनसीईआरटी क्या आंसर देता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, प्लस आ गया, माइनस प्लस का मिस्टेक, प्लस माइनस का डिफरेंस कहाँ से आ गया, ओहो सॉरी सॉरी, बुक में प्लस में आंसर दिया, सही दिया है, यहाँ पर आई वन माइनस आई टू है ना, ये माइनस आई टू है और आई टू का वैल्यू ऑलरेडी हमारा माइनस में आया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओके सॉरी, समझ गए ना, यहाँ पर माइनस पहले से है, आई वन माइनस आई टू है, तो I1 वन माइनस आई टू हो गया यहाँ पर, I इक्वल टू आई वन माइनस टू, और आई टू का वैल्यू ऑलरेडी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तभी मैं सोचा था प्लस माइनस हुआ कहाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस लाग दिया है, प्लस दिया है आंसर में, समझ गए आप, ये माइनस है और यहाँ पर एक और माइनस आएगा, एक और लाइन लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अच्छा होने का मतलब है ये पैटर्न, इसको देखने के बाद ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद दोनों को अलग अलग करना है, फिर ये इस फॉर्म में आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अभी तो स्पेशल पैटर्न का आपको कई क्लास लेना पड़ेगा अपने को, स्पेशल पैटर्न के सेवन नहीं है, इसके और बहुत सारे फॉर्म हैं, आगे आने वाले क्लास में मैं आपको दो दो क्वेश्चन का या एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ये दो क्वेश्चन का एक, फिर दो क्वेश्चन का, तो वो भले ही वीडियो वो बहुत छोटा होगा लेकिन वो वीडियो आपको एक एक पार्ट में बताना जरूरी है, क्योंकि मैं चार पांच पैटर्न को लेकर एक साथ किया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा।
इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन को जो आज से मैंने स्टार्ट किया है उसको आप बहुत पार्ट पार्ट में तैयार करिए। एक पैटर्न लो, एक या दो क्वेश्चन करो, फिर एक पैटर्न लो, फिर एक या दो क्वेश्चन करो, ऐसा बहुत सारे पैटर्न का मिक्सअप करके स्टडी नहीं करना। चलिए इसमें अपन एक आता और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, इस लास्ट क्वेश्चन है मेरा और इसके बाद ये आपको अच्छे से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पैटर्न को नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा मैं आपको। ये है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2 लॉग एक्स आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2 लॉग एक्स माइनस 9 बेस्ट क्वेश्चन है ये। अपन ई टू द पावर 2 लॉग एक्स प्लस 9 ई टू द पावर 2 लॉग एक्स प्लस 9 डीएक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें लॉग के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज यूज होंगे, देखिए चलिए फिर सॉल्व करते हैं अपन इसको। लॉग के नाम से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इक्वल इसको लिख सकते हैं अपन ई टू द पावर 2 सामने है तो जाके पावर बन जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 डीएक्स ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो सामने होता है वो जाके एम लॉग एन से स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद ये फार्मूला आपको पता होगा ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स ये लॉग का फार्मूला है। उस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ई टू द पावर लॉग यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आप देखो स्क्वायर यहाँ पर ये स्क्वायर वो सामने आ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। देखो कहाँ था कहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये लॉग के फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना, ठीक है क्वेश्चन का पैटर्न ही जैसे दिया हुआ है उसको चेंज करना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसको आप कैसे करोगे, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस प्लस 3 ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर फिर आपको एक स्पेशल मतलब आपको पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा ही स्टेप को आप ध्यान रखना, इस तरह के स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको ऐसा करना है। इसके बाद आपको पावर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर में 2 है नीचे में 2 है, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है एलजेब्रिक फंक्शन में तो वहाँ पर हमको क्या करना है उसको डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूँ इसके लिए, ये रफ वर्क है हमारा, बाद में इसको अपन इरेज करके यहाँ पर पुट करेंगे। देखो क्या करो एक्स स्क्वायर माइनस 9 में आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तो बन जा होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस करो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यह हो जाएगा माइनस 18। क्लियर समझ में आ गया आपको, तो एक बार डिवाइड करने के बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 करने से माइनस किया माइनस ये कैंसिल आउट हो गया माइनस 18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये है रिमाइंडर तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस रिमाइंडर माने शेष फल बटे एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसा। आगे चल के मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना भी इसको सिखाऊंगा, वैसे यहाँ पर इसको और भी तरीके से तोड़ा जा सकता है लेकिन ये मुझे आसान लगता है। आप अभी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। देखो यदि मैं इसका एलसीएम ले लूँ एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 9 सॉरी 18 तो ये बोल रहा था कहाँ गया होगा 18। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ गया, वही आ गया। तो ये इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में इस प्रकार से तोड़ने का तरीका है। तो अगले लाइन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, समझ में आ गया कैसा डिवाइड में किया, दैट इक्वल अगले लाइन में हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डीएक्स। ये यदि मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9 को डिवाइड किया है और आप एग्जाम में इसको रफ में वर्क करके डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि आप ये कहाँ से मिला, ऐसा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मेथड ही है। परेशान मत होना कि सर कैसे लिख देंगे अपन, अभी हम आपको समझा दिए एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 का और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 18 को मैं बाहर लिख दिया ये वाला 18 को, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 18 ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स
दैट इक्वल डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 18, ये होता है tan इनवर्स x अपॉन a, यही फार्मूला है ना उसका, tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इन वन अपॉन a होता है, सॉरी वन अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, तो इन टू वन अपॉन ए बाहर होगा ना, इंटू वन अपॉन ए वन अपॉन थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन थ्री प्लस सी दैट इक्वल एक्स माइनस, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसल आउट होगा, तीन छक्के 18, अरे थ्री, तो माइनस सिक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, एक बार आंसर टेली कर लूँ मैं, 6 माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, ओके। तो ये हुआ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आप देखिए इस पैटर्न को देख के ही यहाँ पर लगता है कि कैसे करना है, तो मैंने आज आपको स्पेशल पैटर्न का कुछ क्वेश्चन कराया, शुरुआत में मैंने जो 7 पैटर्न आपको दिए उस पैटर्न को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, उस फार्मूला को याद करना है और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बाकी क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना। अभी मेरा स्पेशल पैटर्न कंटिन्यूअस जारी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और स्पेशल पैटर्न के लेके आऊँगा और दो दो पैटर्न के दो दो क्वेश्चन करा के हम उसको आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।